हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंतर्गत कंपनी के लेखांकन के पहले 13वीं पार्ट में चर्चा करेंगे और अगली क्लास में हम उसके प्रैक्टिकल प्रश्नों को हल करने का कार्य करेंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर रामबाबू गुप्ता, व्याख्याता शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से आज आपके सामने कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सिलेबस के अनुसार कंपनी लेखांकन, जो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है 12वीं की दृष्टि से भी और आगे कॉलेज बीकॉम में या जब भी हम आगे जो भी उच्च कॉमर्स सेक्टर में हम जहाँ भी पढ़ाई करेंगे, कंपनी का लेखांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जानना हम सबके लिए परीक्षा की दृष्टि से भी और अगली कक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं, कंपनी लेखांकन है क्या। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 11वीं कक्षा में आपने बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा है कि व्यवसाय संगठन के प्रकार के प्रारूप क्या होते हैं। उसके अंतर्गत आपने एकाकी व्यापार पढ़ा, साझेदारी पढ़ा, सहकारी समिति, संयुक्त हिंदू परिवार और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अर्थात कंपनी। आप जानते हैं कि व्यवसाय का एक लगातार सतत विकास क्रमशः होता गया और जब व्यापार स्थानीय से जिले, जिले से राज्य, राज्य से राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आधुनिक व्यापार तो इतना विशाल हो गया है कि बिना एक देश दूसरे देश के व्यापार के करना संभव नहीं है। वस्तुओं का आयात निर्यात और इतने बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने जो स्थापित हो रहे हैं और एक बड़ी मात्रा में जो उत्पादन, बड़ी संख्या में जो मांग आई, डिमांड आई, नए नए वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, वह कंपनी के माध्यम से इस संगठन का प्रारूप हुआ। आप जानते हैं एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति रहता है, सीमित होता है, उसकी निर्णय क्षमता सीमित होती है, उसके पास पूंजी सीमित मात्रा में होती है, उसका कार्यक्षेत्र सीमित होता है और सबसे बड़ा जो दोष था वह था उसका असीमित दायित्व। जैसे जैसे क्रमशः बढ़ता गया व्यापार, एक आदमी से अधिक की जरूरत पड़ी, एक से भले दो कहा जाता है, तब साझेदारी का जन्म हुआ, पार्टनरशिप। भारत में भारतीय कंपनी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान के अनुसार भारत में साझेदारी फर्मों का संचालन होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब आपस में किसी वैध व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए अनुबंध या समझौता करते हैं वह साझेदारी कहलाता है। लेकिन साझेदारी की संख्या सीमित थी। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार सामान्य साझेदारी में 2 और अधिकतम 20 और बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10। लेकिन आज वर्तमान आधुनिक युग में जब व्यापक बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में आदमी की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है और दायित्व को सीमित करने की आवश्यकता है और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफल होने के लिए उद्योग, कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, तो ऐसी अवस्था में कंपनी का जन्म हुआ। कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय के क्षेत्र में, और जब कंपनी का जन्म हुआ तभी से हम कह सकते हैं कि व्यापार में एक नई क्रांतिकारी, उद्योग जगत में एक नया क्रांतिकारी बदलाव आया, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसका वितरण संभव हो पाया। तो कंपनी क्या है, आइए चलते हैं। कंपनी वास्तव में व्यवसाय संगठन का एक बहुत ही आधुनिक और संगठित रूप है। कंपनी एक्ट के अंतर्गत, कंपनी कानून, हर देश के अपने अपने कंपनी के कानून होते हैं, उसके तहत कंपनी का निर्माण या पंजीयन किया जाता है और उसके आधार पर कंपनियों का संचालन होता है। भारत में हम देखते हैं कि भारत में कंपनी का निर्माण किस रूप में होता है। तो सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों के जो आदेशानुसार जो होते थे, जो ब्रिटेन के अधीन थे हम लोग, तो वहाँ के कानून का पालन होता था। भारत में आज़ादी के बाद 1956 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 का निर्माण किया गया और जिसके तहत कंपनियाँ आज तक संचालन होता आ रहा है और समय समय में इसे परिवर्तन भी, संशोधन भी होते रहे हैं। आमूलचूल परिवर्तन के रूप में एक नया अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई और इसको ध्यान में रखते हुए सन 2013 में एक नया भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान समय जो कंपनियां संचालित हैं
वह 1956 के प्रावधानों के अनुसार और साथ ही साथ 2013 जो नया कानून एक्ट है, कंपनी एक्ट है, उसके तहत हमारे